नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य खबरों से। तालिबान भी देने लगा नसीहत। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कहा, भारत सरकार ऐसे कट्टरपंथियों को इस्लाम का अपमान करने से रोके। फ्रांस में बन रहा सूरज, भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक जुटे। सफल हुए तो 1 ग्राम परमाणु से 8 टन तेल बराबर ऊर्जा बनेगी। मूसेवाला के माता पिता से मिले राहुल गांधी, बोले पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह भंग, शांति बनाए रखना आप सरकार के बस में नहीं। कश्मीर में आतंकी मंसूबे नाकाम, कनाचक में ड्रोन गिराकर टिफिन बम बरामद। कुपवाड़ा सोपोर में 3 दहशतगर्द ढेर, इनमें 2 पाकिस्तानी। अब एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल बन सकता है सीडीएम, सरकार ने एयरफोर्स रेगुलेशन में किया बड़ा संशोधन। कोरोना, देश में पिछले 24 घंटे में 3,676 नए मरीज मिले, इनमें से 70% अकेले केरल महाराष्ट्र में। 2 दिन बाद केस 4,000 से कम हुए। एप्पल के 2 नए लैपटॉप लॉन्च, सिंगल चार्ज में 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, कीमत 1,20,000 रुपए से शुरू। यूपी की बड़ी खबरें, कानपुर हिंसा को लेकर पीएफआई ने कहा, मुस्लिमों को किया जा रहा टारगेट। बिजनौर में एसपी सिटी ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ, पुलिस लाइन में ली परेड की सलामी। फिरोजाबाद क्षेत्र में रोडवेज बस में लगी आग, 44 सवारियों सहित ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डीपीपी न्यूज़।